कोई ऐसा बच्चा, किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास है आज, किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास है आज, देखिए हमने वेलोसिटी पढ़ाया था। वेलोसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज द वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब टाइम के साथ जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसे ही कहते हैं वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सर लिखना है अभी? हाँ लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Each called velocity. Means time के साथ अगर rate of change of displacement with respect to time is called velocity. अगर time के साथ displacement change होता हो तो उसे क्या कहते हैं? Velocity. और जैसे हमने बताया था, देखिए ध्यान दीजिए, यह पाथ है, यहां पे कोई गाड़ी है, यह चलेगी, कैसे चलेगी? एक्चुअल इसका पाथ यह होगा। क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ या ना? दिस इज एक्चुअल पाथ। अब देखिए, मान लीजिए यह 1 मीटर है, यह 10 मीटर है, यह 20 मीटर है, यह 30 मीटर है और यह 35 मीटर। सपोज टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है एंड 5 सेकेंड है। सपोज इसका स्पीड कैसा होगा बताइए तो? स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? देखिए तो यही शॉर्टेस्ट पाथ हो, हाँ या ना? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। यस सर। दिस इज द एक्चुअल पाथ जिसे डिस्टेंस कहते हैं। तो बताइए तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? या 10 मीटर है तो 10 मीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? कम 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 होगा सर। कितना मान लें? 6 मीटर सपोज। 20 मीटर एक्चुअल है, यहाँ पे कम होगा ज्यादा होगा? कम कम। यहाँ पे कम होगा सर। कम कम होगा, मान लीजिए 20। ठीक है? यहाँ यस सर, ध्यान दीजिए प्लीज। यहाँ पे 6 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मिनट। और ये क्या लोकेट कर रहा है? ये क्या लोकेट कर रहा? डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अच्छा बेटा, हम स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो रहा है ना? आया ना? यस सर। लिखते चलिए, लिखते चलिए, सब लिखते चलिए।
पढ़ो आगे। एक मिनट सर। यस सर। अभिनव पाटिल बेटा मैसेज मत किया करो क्योंकि मैसेज में नहीं पढ़ पाता हूं, जो भी बोलना है आप बोल दो, मैसेज करके आप करोगे तो आप पढ़ोगे या मैसेज करोगे? अभी क्या बेटा सर, मतलब अभी तक कितने चैप्टर हुए वो पूछ रहा हूँ मैं। ये आप पूछ सकते हो ना, अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है। कौन सा सर, नाम क्या है? ये काइनेमेटिक्स मतलब वेलोसिटी स्पीड है, मोशन, चैप्टर का नाम मोशन है। चलिए बढ़े आगे। यस सर। यस सर। देखिए तो बेटा अगर हम स्पीड की बात करें तो देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, बोलिए। 1 meter सर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 10 meter। 10 meter। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 20 meter। 20 meters। यहाँ पे डिस्टेंस 30। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 meter per second। कितना आ जाएगा? 5 meter per second। यहाँ पे कितना होगा? आता है ना डिवीजन 20/60। यस सर। यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 meter। यहाँ पे 1। यहाँ पे 6 meter। टाइम कितना? 6 meter के लिए टाइम क्या होगा? 2 second सर। 2 second टाइम सेम ही रहेगा। यहाँ पे 12 meter 3 second। यहाँ पे 20 meter। और यहाँ पे तो देखिए तो क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया? 1 meter per second। 3 meter per second। 5 meter per second। या कितना जाएगा? 5 meter। 5 meter। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। लिखिए सर 2 मिनट। हो गया सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैं रख करूं? अब वेलोसिटी क्लियर हुआ? देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टू टाइप्स का वेलोसिटी होता है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
कितने टाइप्स के होते हैं? टू. कौन कौन सर? टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. वेरोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेरोसिटी. सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि एट एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है. बात समझे क्या? एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? सेम होता है. बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एट एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? अनइक्वल. डिफरेंट होता है. डिफरेंट. डिफरेंट होता है. ठीक है ना? लिखे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट must be same. Every moment pe velocity of the particle kya hoga? Same hoga. Yes sir. It's called uniform velocity. Uniform velocity. हो गया? यस सर. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? सेम होगा. सेम होगा सर. अब आइए लिखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. नॉन यूनिफॉर्म से पहले एक डायग्राम बनाए. लिखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लिखे तो डिस्प्लेसमेंट. सर ये डायग्राम भी लिखनी है क्या? हाँ. डिस्प्लेसमेंट वन मीटर टू मीटर फोर मीटर टाइम्स 1 second, 3 second, 5 second. तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1 meter अपॉन 1 second. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 meter upon 2 second. 2 second. 3 meter upon 3 second. 4 meter upon 4 second. 4 meter upon 5 meter upon 5 second. 6 meter upon 6 second. 7 meter upon 7 seconds. Clear वो? Yes, sir. Sir, 1 meter per second. Every moment pe is velocity of the particle kya hai? Same hai. Wo kitna hai?
वन मीटर पर सेकेंड। आप लोग ध्यान रखिए, इस संडे के बाद जो बच्चे फीस नहीं जमा किए हैं उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इस संडे के बाद जिनका जिनका फीस नहीं आया ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। सर फीस नहीं है, आप कॉल इसके बाद कॉल करके पूछ लीजिए नंबर। Yes. 25,000 फीस है और आपको अर्जेंटली अभी जमा 50% अर्जेंटली जमा करना है। जो बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं अप टू संडे तक आप फीस दे सकते हैं, इसके बाद फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद मैं 8 का सेपरेट बैच बन जाएगा। आप बेटा बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, आपका फीस नहीं आया है। जिजुकर आवाज आ रही है ना? Yes. आदित्य यादव, आदित्य यादव हाँ सर, आपका भी नहीं आया, पेरेंट्स से बोलिए। हाँ सर, जिनका जिनका नहीं आया गंगा बेटा आप भी बोल दीजिए। Yes, sir. संचिता बेटा आपका भी फीस आया है लेकिन कम आया है। Yes, sir. साइली, जिनका जिनका नहीं आया ध्यान रखिए। चलिए हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। हमने क्या देखा? Yes, sir. Velocity of particle at every moment क्या है बेटा? आर सिंह ये जाना बेटा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखिए बेटा, रे सपोज के रोड है, ठीक है, यहां पे गाड़ी चल रही है, यहां का स्पीड जो है यू है, यू को मतलब इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। इस पॉइंट पे स्पीड ए पे यू है, यहां पे टाइम टी आई है, टी आई मतलब इनिशियल टाइम। यह गाड़ी यहां पे आ गई, यहां पे स्पीड v है और यहां पे टाइम tf है फाइनल टाइम। बात समझ में आ रहा है क्या? यहां पे स्पीड कितना है? पॉइंट a पे स्पीड कितना है u, पॉइंट b पे स्पीड कितना है v, और यह गाड़ी यूनिफॉर्म चल रही है। क्या चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा? इक्वल। इक्वल, गुड गुड। क्या? इक्वल इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, velocity at A equal to velocity at B. Clear है सभी लोग? Yes, clear sir. है सभी लोग? Yes sir. Velocity at A कितना है? U. And velocity at B कितना है? B. B. क्या सभी लोग clear है? U equal to yes, B. Yes sir. U equal to V. So change in velocity क्या होगा?
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एट पॉइंट पे और दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या है आपस में? यस सर। यस सर। दोनों पॉइंट का वेलोसिटी आपस में क्या है सर? इक्वल है। इक्वल है तो v जीरो होगा चेंज इन वेलोसिटी और यह दोनों आपस में सेम है इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि v इक्वल टू u। क्यों v इक्वल टू u? क्योंकि यह यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा कांसेप्ट है। तो आपने फाइनली क्या देखा? हिंस इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के पहले क्या लिखा है? कहां पे? इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी the change in velocity of the particle क्या होगा बोलिए तो? जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि at every moment velocity of the particle must be equal। equal same जो कि आपने देखा था अभी। चलिए बढ़े आगे। यस सर। अब आगे देखते नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट एट एवरी मोमेंट must be different is called क्या कहेंगे? non uniform velocity। for examples ये road है टेन मीटर सपोज, चलो वन मीटर, टेन मीटर, ट्वेंटी मीटर, थर्टी मीटर, फोर्टी मीटर, फिफ्टी मीटर टाइम। वन सेकेंड, फोर सेकेंड, टेन सेकेंड,
30 सेकेंड, 80 सेकेंड, 150 सेकेंड. तो बताइए तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होगा? 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 10 मीटर अपॉन 20 मीटर अपॉन 30 मीटर अपॉन 40 मीटर अपॉन एंड 50 मीटर अपॉन कितना आएगा बेटा? कितना होगा सर? 1/1 ये 1 मीटर पर सेकंड रहेगा. फिर 10 मीटर पर 4 सेकंड, 2.5 सेकंड. ये कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकंड. क्या सभी बच्चे समझ रहे हैं? यस सर. कितना आएगा? देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर. क्या एवरी मोमेंट पे स्पीड अलग है? यस सर. क्या एवरी मोमेंट पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलग है? यस सर. तो दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. At every moment, velocity of particle r क्या है? Different. और इसी को क्या कहेंगे? Non uniform speed velocity. Concept clear है? यस सर. रफ करूं? सर एक मिनट, सर एक मिनट. बढ़ो आगे. यस सर. सर वो आपने ऊपर वेलोसिटी ऑफ के बाद में क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट. कितना आएगा? देखिए तो एक रोड है. यहां पे u वेलोसिटी, यहां पे v वेलोसिटी, यहां पे ti टाइम, यहां पे tf टाइम. क्या दोनों वेलोसिटी सेम है? नो सर. नो सर. क्या कौन सा कंडीशन है? सर टाइम डिफरेंट. नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. देन बोथ वेलोसिटी आर क्या होगा? डिफरेंट. मीन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वी माइनस यू. हाँ, वेलोसिटी एट पॉइंट या ए माने तो उसको बी माने. तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए.
वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ऊपर तरफ पर। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस यू। क्लियर क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब चेंज इन वेलोसिटी जो है मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप। एक बात सुनिए, चेंज का मतलब होता है कि वेरिएबल, वह वेरिएबल दो तरह का हो सकता है। एक होता है इंक्रीजिंग वे में, जैसे ये हुआ वेरिएबल, मतलब एवरी मोमेंट में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये क्या हो रहा है, एवरी मोमेंट में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यह कंडीशन देखिए, यह कंडीशन देखिए, लिखिए तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने टाइप के हैं, दो। कौन कौन, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और सेकेंड वन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगा एट एवरी मोमेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इज इंक्रीज, इंक्रीजेज। क्लियर होगा, क्लियर हुआ? एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज क्या होगा, डिक्रीजेज। इस केस में बढ़ता और इस केस में घटता, डिक्रीज होता। एक और डायग्राम बनाइए, यह गाड़ी जा रही है, जैसे यहां पे गई तो एक स्पीड ब्रेकर है, यह क्या है, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर के पास में जाकर स्पीड का गाड़ी बढ़ जाता है कि घट जाता है, डिक्रीज होता है ना। यस सर। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? यस सर। सर मुझे पूछना था सर, एक बोलिए सर, वो हमारा मेजरमेंट मोशन इन वन डायमेंशन और ये कौन सा चैप्टर चालू, वो पूछता था सर। मोशन इन वन डायमेंशन का ही पार्ट है वो। मोशन इन वन डायमेंशन कोई काइनेमेटिक्स कहते हैं, उसी को कहते हैं मोशन। टाइम अप हो गया, उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है। वन डायमेंशन का मतलब एक्सेलरेशन चालू हो गया, वही वही चैप्टर का ये टॉपिक है। टाइम अप अब कल कंटिन्यू करेंगे, इसको लिख लीजिए। यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। जिन बच्चों का फीस नहीं आया है कृपया करके फीस दे दीजिए।
लिख लिए,